चश्मा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस। तो जगह काफी अच्छी है, मजे की है और फैमिली पार्क यहाँ पे फैमिलीज के साथ बना है। तो ये जी हमने फिश ऑर्डर की और ये हमारी फिश आ गई है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इब्राहिम होटल विलास। पिछली वीडियो में हम चश्मा रेस्टोरेंट तक हम पहुंच गए थे, तो अब एपिसोड 2 और अभी देखते हैं, हम अंदर जाते हैं अपने रेस्टोरेंट के और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। 100 रुपये एंट्री फीस देने के बाद हम इंटर हो चुके हैं गेस्ट हाउस में और यहाँ पे चिड़ियाघर भी है और बाकी भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन्स हैं यहाँ के। यार इसको कह देना फिर चाय के लिए यार आ जाना। हाँ, ओ माय गॉड, ये देखो बंदर, ये तो हम हुसैन आ गए। बंदर यहाँ पे खरगोश है और इधर अगर आ जाए तो यहाँ पे मोर है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। और ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए, ये फैमिली पार्क है। जगह मजे की है ना, यहाँ पे झील का नजारा, व्यू पॉइंट है यहाँ पे क्या बेहतरीन किस्म का। ओह माय गॉड, जगह अच्छी है। तो जगह काफी अच्छी है, मजे की है और फैमिली पार्क यहाँ पे फैमिलीज के साथ बंदा है, तो काफी अच्छी है फैमिलीज के साथ आने के लिए। और डी खान से है भी करीब कोई 100 किलोमीटर के फासले पे है, तो यहाँ पे आप मस्ट विज़िट करें, मज़े की जगह है। आप यहाँ पे देखते हैं आप खाएँ भी हमें क्या क्या मिलता है। हमें चाय फ़िलहाल ऑर्डर किया, चाय पीते हैं उसके बाद फिर मज़ीद आगे देखेंगे आगे क्या मिलता है हमें खाने में। तो यहाँ पे सिटिंग है हमारी, ये सब दोस्त बैठे हुए हैं इधर। चाय मंगवाई है और क्या क्या चीज़ है इधर दिखाएँ मेन्यू का। कार्ड दिखाइएगा, ये आपको पार्सल कर रहा हूँ। तो जी यहाँ पे हमें मिल रही है स्पेशल चश्मा स्पेशल कढ़ाई। ओह माय गॉड, इसमें क्या है? कढ़ाई के साथ चश्मा भी है और स्पेशल भी है। अच्छा, तो ये चीज़ इनके पास अवेलेबल है। तो अब क्या इरादा, क्या मंगवाएंगे? हम तो आपके साथ चलेंगे ना यार, इधर आए रिवर पे तो फिश ही बनती है ऐसे, नहीं फिश का मज़ा नहीं आ जाएगा। फिश मंगवाते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर सिंगारा नहीं यार, और रहा डमरा सही है यार, सिंगारा पता नहीं कैसी है। चलो पहले चाय एंजॉय करते हैं उसके बाद फिर चाय पी लेना, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या ऑर्डर करना है। बिल्कुल झील का इस तरह का व्यू है, अभी हम नीचे जा रहे हैं झील की तरफ पर हमने चाय पी है, नीचे जा रहे हैं।
बच्चे को हम फेर के उसे बकरे पर जाते हैं छुपाने के लिए आगे करते हैं। यहाँ पे सेफ्टी जैकेट्स की सारी लगी हुई है। सेफ्टी जैकेट्स वगैरह हैं क्योंकि पहले यहाँ पे भी एक दो बोट्स को हादसा पेश आया हुआ है तो बस तो इसलिए अब यहाँ पे सेफ्टी जैकेट्स भी साथ देते हैं, बच्चों के भी हैं बड़ों के भी हैं। तो अभी हम बैठ गए हैं कश्ती में और यहाँ पे ज़रा कश्ती में सैर करते हैं झील की। तो ये फ्रंट है, अच्छा अच्छा फ्रंट, हाँ ठीक भाई भाई बस मजा आ रहा है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद कश्ती में बैठा हूँ काफ़ी टाइम, और अभी जाके इंशाल्लाह देखते हैं। कश्ती में चक्कर लगाने के बाद उसके बाद हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, अभी हम जाते हैं ऊपर और उसके बाद अभी कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह नाश्ता भी सही से नहीं किया था और अभी मुझे भूख लगी है। मलिक चलते हैं, तो ताहिर खान उस्ताना साहब हमारे साथ हैं जो कि इस ट्रिप को लीड कर रहे हैं। तो ये जी हमने फिश ऑर्डर की और ये हमारी फिश आ गई है और इसके बाद अभी हम इसको खोल के खाएंगे और टेस्ट करके आपको बताते हैं। अभी कुछ दोस्तों ने आना है तो वजह से वो पहुंचते हैं, फिर इसके बाद इसको हम टेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसे है फिश का। तो माशाल्लाह फिश काफ़ी क्रिस्पी है और अच्छा, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। मज़े के हैं, काफ़ी मज़े का टेस्ट है। हाँ अहमद भाई चरंगे टेस्ट है जबरदस्त, वेरी गुड। फिश प्राइस सेंटर टेस्ट बेहतरीन, माशाल्लाह काफ़ी खाना खा लिया और फिश बहुत ही मज़े की थी और यहाँ पे आके मस्त ट्राई करें यहाँ की फिश को। तो अभी खाना वगैरह सब कुछ खा लिया, चाय भी पी ली, उसके बाद हम निकल पड़े हैं हम आगे वापसी पे। आगे जाके यहीं रुकते हैं और वहाँ पे ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा।
सा भी गुड़ लिया है, कुछ 70 रुपए का किलो मिले और फ्रेश गुड़ बस बस देते हैं। एक भी ऐसा देना गुड़ लेते हैं और फिर वापस करते हैं। एक किलो बिया रेचा मले का मले के 1 किलो पावे सर मले गुड़ाला और फाइनली पिलोट पॉइंट पर हमारी बाइक पंचर हो गई और शुक्र था पंचर वाला साथ में ही था, नहीं तो जलील हो जाती क्योंकि सामान भी नहीं था पंचर का। अभी हम यहाँ साथ में शॉप के सामने ही पंचर हो गया, यहाँ पे पंचर लगवाते हैं, शुक्र ज़्यादा जलील नहीं। बाइक का टायर पंचर हो गया और उसके बाद फिर हम रवाना हो गए तो थोड़ी ही देर आगे जाते ही तो दोबारा से ट्यूब फट गई क्योंकि ट्यूब ख़राब हो चुकी थी काफ़ी, तो उसके बाद फिर सबने वापस जाना पड़ा और इसमें 1.5 की ट्यूब लगवा दी क्योंकि 18 इंच की जो ट्यूब इसमें लगती वो थी नहीं उसके पास, तो बस फिलहाल उसी से हम काम चला रहे हैं और वापसी का सफ़र इंशाल्लाह इसी से तय करेंगे। फाइनली हम डी आई खान पहुँच गए हैं स्पेयर के लिए थे और शुक्र से और बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा जिसमें का तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।